हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज एक और लो कैप कॉइन जो आप जो बियर रन में लेंगे और बुल रन में इसको बेचेंगे, इसका नाम है स्टेला स्वैप। एक्चुअली मैं एक स्वैप का कल भी बना चुका हूं और एक जो स्वैप है जो मून बीम प्रोटोकॉल के काफी क्लोजेस्ट है और मोस्ट ऑफ द टाइम मून बीम इसको रिकमेंड भी करता है काफी जगह पे। कोई भी अपडेट होती है इससे रिलेटेड, बीम स्वैप से ज्यादा स्टेला स्वैप को ज्यादा वो ट्वीट के रूप में लेता है। तो कई बार इसकी मैंने ट्वीट्स देखे हैं जिसको रिकमेंड किया है स्टेला स्वैप को। ये प्रेफर स्टेला स्वैप ही करता है मून बीम इकोसिस्टम। तो इसका आज रिव्यू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और रिव्यू में काफी चीजें बताएंगे, इसका जो प्राइस, इसका मार्केट कैप और ये कितना जा सकता है फ्रेंड, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आपको ये बताऊंगा कि बुल मार्केट में ये आपको कितने एक्स दे सकता है या ये कहीं स्कैम तो नहीं करेगा अगर ये लो कैप है। देखो, लो कैप में जितना रिस्क होता है उतना रिवार्ड भी होता है। तो दोस्तों, रिवार्ड और रिस्क ये आपकी किस्मत के ऊपर है। अगर आपने कोई रिस्क लिया है तो हो सकता है बहुत ज्यादा रिवार्ड मिल जाए, लेकिन ये जो रिस्क लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। अगर आप डर जाओगे तो वो रिवार्ड कोई और ले जाएगा। तो रिस्क को हम कम करेंगे, कोशिश करेंगे कम करने की, लेकिन रिवार्ड को हम हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं आपका। इसी वजह से मैं नए नए टोकन लेके आता हूं आपके पास। नए नए नहीं होते बट इनका यूज केस भी कहीं ना कहीं होता है और काफी यू नो पोटेंशियल रखते हैं ये टोकन। मैं ऑलमोस्ट ढूंढ कर कहीं ना कभी लेके आता हूं, हर दूसरे तीसरे चौथे वीडियो में लो कैप में बहुत ज्यादा लेके आता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपने यू नो काफी टोकन ऐसे मिस करे होंगे अपनी लाइफ में जिन्होंने 1000x भी दिया होगा, 2000x भी दिया होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ऐसी चीजें लेके दूंगा कि हो सकता है फ्यूचर में आपको 1000x का रिटर्न या 100x का या 50-200x का रिटर्न मिल जाए। ठीक है, ये श्योर नहीं है मिलना, बट यू नो एटलीस्ट वी कैन ट्राई अबाउट इट। तो आज का टोकन जो मेरा है स्टेला स्वैप है, इसकी खासियत क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मूनबीम का रिकमेंडेड कॉइन है। स्टेला स्वैप में दम भी है, कोई बात नहीं कर रहा है इसकी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या स्टेला स्वैप हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है, ये हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले इसका यूटिलिटी, यूज केस और इसका जो मार्केट कैप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट टोकनॉमिक्स है, तो टोकनॉमिक्स की बात भी करेंगे फ्रेंड। तो चलते हैं हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसका सबसे पहले मैं प्राइस आपको बताता हूं कि प्राइस क्या चल रहा है फ्रेंड्स। इसका जो प्राइस है 0.07 चल रहा है और कहीं ना कहीं 0.07 चलने के साथ साथ अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो वो $4 ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, और ये अपने जो ऑल टाइम जो हाई से 98% डाउन है, तो और ऑल टाइम लो 0.068 है, मतलब ये अपना ऑल टाइम लो पे ही है ऑलरेडी। अगर आप देखो तो इसका जो जो पूरा इकोसिस्टम है तो ऑल टाइम लो पे घूम रहा है, मतलब और ज्यादा डाउन जाने के चांसेस मे भी हो जाए फ्यूचर में, और मे भी ये एक दो महीने के अंदर एकदम डबल ट्रिपल आपको फायदा दे जाए। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है क्रिप्टो के अंदर, और एक दिन के अंदर क्या 7 days में भी 7x पॉसिबल है, 1000x भी पॉसिबल है। एनीवे, तो हम स्टेला स्वैप का जो हमने प्राइस देख लिया, अब इसमें मार्केट कैप वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो एनीवे हम इसको यहां से हम क्लोज करते हैं और हम इसका जो मार्केट कैप है वो कहीं और जाके देखते हैं। ठीक है, ये दूसरी साइट आ गई, इसका मार्केट कैप देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसका जो मार्केट कैप है $11,000 है। $11,000 फ्रेंड बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ही जबरदस्त रिस्क वाला टोकन ये बन रहा है, और क्या ही आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। मार्केट कैप बहुत कम है, या तो इसमें अपडेट नहीं है, अगर अपडेट है तो मार्केट कैप इसकी बहुत ही ज्यादा कम है। इस वक्त $11,000 ही है और इसमें जो वॉल्यूम है 24 hour का वो $8,000 है। कहने का है कि 500 million टोकन सप्लाई से ज्यादा ये मार्केट में आ नहीं सकते, और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि 500 मिलियन टोकन का जो प्राइस है 0.07 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये मार्केट कैप वगैरह तो हमने सब देख ली,
क्या जो मार्केट कैप इसकी जो दिखाई गई है 11,000 के आसपास है। मैंने गूगल भी किया था और मैंने अच्छी तरह से चेक किया तो इतनी ही दिखा रहा है काफी जगह। तो $11,000 मार्केट कैप में ये रिस्क तो बहुत बड़ा है आज की डेट में, लेकिन मैंने इसका जो ट्विटर है हैंडल फॉलो किया हुआ है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेलर स्वैप की बात होती है मूनबीम इको सिस्टम के अंदर भी, तो मुझे ये लगता है ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। बट ये श्योर करने के लिए क्या इकोसिस्टम में दम भी है कि ये जा सकता है, उसके लिए इसकी टोकनॉमिक्स और इसका प्लेटफॉर्म भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं तो स्टेला स्वैप है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जैसे हमने बीम स्वैप के अंदर देखा था तो स्टेला स्वैप के अंदर भी एक एक्सचेंज है, डेक्स है, कोई भी जाके यहाँ पे GLMR या कोई और टोकन बाय करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके ऊपर IDO प्लेटफॉर्म भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेड स्वैप एंड जैप है, स्वैप कर सकते हो, अर्न करना तो फार्मिंग पूलिंग पूल कर सकते हो और स्टेकिंग कर सकते हो। स्टेकिंग अगर करेंगे तो जैसे बीम स्वैप का इकोसिस्टम है वैसे ही सेम टू सेम इकोसिस्टम इसका है, आप बीम स्वैप को इसका कॉपी कह सकते हो, ये कॉपी नहीं है, पहले स्टेलर स्वैप उसके बाद बीम स्वैप आया है। तो जो स्टेलर स्वैप है इसको अगर स्टेक करोगे एक्स स्टेला टोकन मिलेंगे आपको, राइट, जो एक्स स्टेला टोकन जो आपको मिलेंगे तो फ्रेंड्स उनको आपको स्टेक करना होगा। जब एक्स स्टेला टोकन आप स्टेक करोगे तो आपको स्टेला टोकन मिलेंगे, जब स्टेला टोकन मिलेंगे तो उनको आप स्टेक करोगे फिर आपको एक्स स्टेला टोकन मिलेंगे, ऐसा रूटीन घूमता चला जाएगा और आपके जो स्टेकिंग जो जब जब आप जब आपने अनस्टेक करना होगा तो एक्स स्टेला टोकन को आप अनस्टेक मतलब स्वैप कर सकते हैं स्टेला के अंदर। तो आप जब एक्स स्टेला को स्वैप करोगे तो स्टेला टोकन आपको बढ़कर मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये स्टेकिंग भी इनकी बहुत अच्छी 65% मिल रही है आज की डेट में, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्टेकिंग दे रहे हैं बिकॉज मार्केट कैप कम है, ये रीजन हो सकता है। बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें ब्रिज का भी है, अगर आपके पास किसी और ब्रिज के ऊपर जैसे आपके पास बाइनांस के ऊपर USDT है तो आप इसके ऊपर USDT ब्रिज की हेल्प से लेके आ सकते हो, ठीक है। और बाय GLMR करोगे तो सीधा इनकी इसके स्वैप के ऊपर जाओगे, तो इसका जो 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 प्राइस है 0.007 दिखा रहा है फ्रेंड ये तो। और इसके अलावा क्या क्या है इसके प्लेटफॉर्म पे ये भी देख लेते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DeFi गेटवे टू द मूनबीम, तो ये गेटवे है मूनबीम का, मूनबीम टोकन या उससे रिलेटेड कोई सा भी टोकन अगर लेना है तो आप इनका जो स्वैप यूज कर सकते हैं, उसके लिए मोस्ट ऑफ द टोकन इसके ऊपर भी लिस्टेड होते हैं, ठीक है। इनका एक्सचेंज है, अर्निंग इकोसिस्टम मैंने ऑलरेडी बता दिया, NFT प्लेटफॉर्म है और IDO प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास स्टेला या एक्सटेला टोकन है तो IDO में आप पार्टिसिपेट करने के एलिजिबल होते हो, ठीक है। और ब्रिजिंग मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास किसी और ब्रिज के ऊपर कुछ टोकन है जैसे USDT, USDC या कोई और टोकन है तो आप इसके ऊपर ब्रिज की हेल्प से आ सकते हो, ठीक है। जो स्टेला एक्सचेंज के ऊपर मैंने जो मूनबीम से रिलेटेड काफी एक्सचेंज में कई बार मैंने देखा है, चेक किया है, जो जो प्राइस होता है वो दूसरी एक्सचेंजेस से बहुत सस्ता होता है। जैसे कि आपने दूसरी एक्सचेंज से USDT से आप मैं एक बार 10 GLMR बाय कर रहा था तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मुझे 11 उतने ही पैसे में 11 GLMR मिल रहे थे, तो ये मुझे पता चल गया कि भाई ये वाला प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर काफी चीजें सस्ती मिलती हैं, ये रिलायबल एक्सचेंज कहते हैं, आगे देखेंगे कितना रिलायबल है कि नहीं है। अर्न स्टेला रिटर्न द मैक्सिमम यूटिलिटी, तो वही मैंने स्टेकिंग का बताया कि आप फार्मिंग करके बहुत सारे टोकन को यील्ड करके भी स्टेला को अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब इनिशियल जो लॉन्च है और मैक्सिमम सप्लाई है, ये इनिशियल जो लॉन्च हुआ था फ्रेंड ये $2 पे लॉन्च हुआ था, जो आपको पता है $2 बहुत बड़ा एक है, लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम बियर मार्केट थी तो $2 से गिरता गिरता वो आज की डेट में काफी नीचे आ गया और एक बार $4 भी गया था, उसके बाद वो नीचे आता चला गया, बहुत सी अनलॉकिंग थी जिसकी वजह से हो सकता है। 500 मिलियन स्टेला इनका जो मैक्सिमम सप्लाई है, तो फ्रेंड 500 मिलियन के हिसाब से 0.07 जो रेट है मुझे तो बड़ा चीप लगता है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये कितना चीप है ये पता चलेगा।
ये रोड मैप के हिसाब से तो इन्होंने सारा कुछ मेरे ख्याल में ओके कर दिया है, और इनका जो एनएफटी मार्केट प्लेस है वो एक बार चेक कर लेते कि लॉन्च्ड है कि नहीं है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा ये प्रॉमिसिंग है, अगर है तो वो कितना प्रॉमिसिंग है। एक्सप्लोर असेट्स, तो फ्रेंड्स इसके स्टार्ट क्रिएटिंग लिस्टिंग एंड ब्यूटीफुल एनएफटी, तो ब्राउज बाय कैटेगरी, तो डोमेन नेम कैटेगरी म्यूजिक फोटोग्राफी ये देख लेते हैं एक बार क्लिक करके। अच्छा कमिंग सून लिखा हुआ फ्रेंड इसके ऊपर, तो इनकी जो मार्केट जो वो जो एनएफटी मार्केट प्लेस है वो अभी आई नहीं है, लॉन्च नहीं हुई है, तो यू नो ये पेंडिंग में है। तो एनीवे इसको फिर हम बैक करते हैं, और ब्रिज भी हो गया, आईडी प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी चल रहा है इसका, एनएफटी ही अभी यू नो अंडर द टेबल है, इसके बाद एनएफटी प्लेटफॉर्म कब तक आएगा ये देख लेते हैं। तो मार्च टू जून 2022 लॉन्च ऑफ एनएफटी मार्केट प्लेस, लॉन्च ऑफ आईडियो लॉन्च पैड, तो इनका आईडियो इनका जो जून से जून तक इनका आ जाना चाहिए था 2022 से, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने ऑलरेडी डिले है इनका एनएफटी मार्केट प्लेस। बट गुड न्यूज ये है इनका जो जून तक दो चीजें आनी थी, लॉन्च ऑफ आईडियो प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म आईडियो जो प्लेटफॉर्म है वो तो लॉन्च हो गया है, 2-3 टोकन भी इसके ऊपर लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि बीयर मार्केट में था तो मैंने कहीं किसी भी टोकन में पार्टिसिपेट किया नहीं। और इसकी पार्टनरशिप देखते हैं फ्रेंड, इनकी जो पार्टनरशिप है, देखो पार्टनरशिप में सबसे टॉप पे जो नाम लिखा हुआ है वो मूनबीम लिखा हुआ है, ठीक है, मूनबीम है और सेरास वेंचर्स है, मल्टी चेन है, रिले चेन है, माई फाइनेंस है, और मूनवेल से भी इसकी पार्टनरशिप है, और ऑटो फार्म अकाला नेटवर्क भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उससे भी है, मांटा भी आपको पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अनस्टॉपेबल डोमेन से भी इनका पार्टनरशिप है, पिकल फाइनेंस से है, ट्रांजेक्ट से है, एक्सेलर से है, तो सेलर नेटवर्क से भी है, यू नो एक बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पे भी यहां पे है, मॉन्स्टर हंट, बीफी फाइनेंस ये भी अच्छा है, और नोमेड ब्रिज भी है उससे भी पार्टनरशिप है, और बाइकोनॉमी से भी पार्टनरशिप है इनकी। तो मुझे तो लग रहा है कि 90% यहां पे बहुत अच्छे अच्छे नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक बार एक टोकनॉमी पे भी क्लिक कर लेते हैं अगर कुछ नया निकल के आता है तो। अनलॉक शेड्यूल वगैरह फ्रेंड्स कुछ भी नहीं दे रखा फिलहाल, ठीक है, इसमें अनलॉकिंग वगैरह के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, और इनकी टीम से भी डायरेक्ट बातचीत हो नहीं सकती, हो सकेगा तो इसकी ईमेल वगैरह से करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। तो यू नो ये प्रोजेक्ट वैसे तो यू नो रिकमेंडेड है, अच्छा चलता है, काम भी बहुत अच्छा करता है, और अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखोगे करके क्लिक करके, तो इसमें जो इकोसिस्टम है बड़ा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेक करेंगे तो यहाँ जैसे एक्स स्टेला के ऊपर चले जाओगे आप, और इसके बाद एक्स स्टेला के ऊपर चले जाओगे तो स्टेकिंग एपीआर देखिए 65% ऑलरेडी दे रहे हैं ये, और अगर आपके पास टोकन है तो यहाँ स्टेक का बटन दबा के यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप स्टेक का बटन दबाइए, यहाँ पे स्टेक आ जाएगा, और स्टेक का बटन दबा के करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके एक्स स्टेला टोकन दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आपके एक्स स्टेला टोकन दिखने शुरू हो जाएंगे तो आप उनको स्टेक करेंगे यहां पे, समझ गए आप, आपको मिलेंगे तुरंत ही मिल जाएंगे एक्सटेलर टोकन, जो एक्सटेलर टोकन तुरंत मिल जाएंगे तो कनेक्ट वॉलेट करके आप इसको स्टेक करेंगे तो यहां पे स्टेक हो जाएगा, और आपको फिर जो स्टेलर टोकन रियल वाले स्टेलर टोकन मिलेंगे, फिर ऐसे ही प्रोसेस घूमता चला जाएगा, आपका जो है टोकन बढ़ता चला जाएगा। तो ये छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड इसके बारे में, और बाकी देखते हैं इसके जो
हम कोशिश करते हैं इसका ट्विटर भी देखने के लिए अगर यहाँ पॉसिबल होगा, क्योंकि ट्विटर पे भी काफी चीजें मिल जाती है, अपडेट्स मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूनबीम रिकमेंड करता है इस एक्सचेंज को। अब ये कितना आगे जाएगा, और मूनबीम की जो पार्टनरशिप बेसिकली होती है बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से है ऑलरेडी, एक भी यू नो मूनबीम का किसी भी इकोसिस्टम ने अभी तक कोई भी किसी तरह का स्कैम नहीं किया, ठीक है। अब जाते हैं फ्रेंड इसके इसकी अपडेट्स के अंदर। ट्विटर में जो अपडेट्स हैं, तो ये बिल्डिंग V3 कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी, तो ओवर नेक्स्ट 24 वीक्स 12 मिलियन GLMR वुड बी डिस्प्यूटेड टू LP अक्रॉस स्टेला स्वैप एंड मून वेल डिफाई। तो इनका जो पार्टनरशिप है मून वेल से भी है और स्टेला स्वैप से भी है। मून बीम की जो पार्टनरशिप है मून वेल से और स्टेला स्वैप से भी है। और इसके बाद और कोई जो अपडेट देख ले रहे, डबल रिवार्ड इज लाइव, तो इनका भी जो रिवार्ड है USDT USDC BUSD और फ्रैक्स जो स्टेबल कॉइन है उसके अंदर भी इन्होंने रिवार्ड जनरेट करना शुरू कर दिया। मतलब आप इनको भी स्टेक कर सकते हो या लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो इनके हिसाब से, तो उसके बाद आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 5 घंटे पहले इनका एक और वो आया है, ट्वीट आया है, गेट फ्रैक्स फ्रॉम स्टेला स्वैप, ट्रांसफर USDT फ्रॉम बिटफिनेक्स और स्वैप, ब्रिज ओवर USDC और फ्रॉम वॉरमोल क्रिप्टो, जूसी यील्ड कमिंग अप राइट। तो यू नो इनके ऊपर जो यील्ड फार्मिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। और भी देखते हैं कुछ खास चीज अगर सामने आती है। ओके, पोलका डॉट इनसाइडर ब्रेकिंग न्यूज, ओवर 2.2 मिलियन TVL लेटेस्ट फार्म WBTC एंड GLMR। तो फार्मिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है WBTC और GLMR की इन स्टेला स्वैप, स्टेला स्वैप के अंदर। तो बड़े बड़े जो इकोसिस्टम है ट्वीट करते हैं इसके बारे में, यही मुझे इसकी एक खास बात लगती है कि मतलब इसको जो रिकमेंड करते हैं और मूनबीम कहीं ना कहीं इसको यू नो रिकमेंड करता है, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है। अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे वहां पे इनके जो मूनबीम के इकोसिस्टम में जाके टेलीग्राम में या किसी एडमिन से बात करेंगे तो वो सबसे पहले ये बोलेगा स्टेला स्वैप से आप बाय कर सकते हो, ठीक है, जो GLMR टोकन को। तो 21 तारीख को इनका आया था, बीफी फाइनेंस ने इनके बारे में ट्वीट किया था, मूनबीम ए द इंजन, स्टेला स्वैप द फ्यूल। तो देखो मूनबीम, देखो क्लियर शब्दों में इस चीज को पढ़ने की कोशिश आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो बीफी फाइनेंस इनका जो पार्टनर ऑलरेडी है, यू नो किस तरह से ये लोग प्रमोट करते हैं, कहीं ना कहीं यू नो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रस्ट लेबल है। इतने सारे जो इकोसिस्टम है इसके बारे में ट्वीट करते हैं, इससे पहले भी मैंने कुछ ट्वीट दिखाए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का स्टेला स्वैप के बारे में, तो ऐसे ही ये भी पढ़ते हैं। तो बीफी फाइनेंस का जो ट्वीट है, मूनबीम बराबर में द इंजन और स्टेला स्वैप इसके जो इक्वल में बताया है द फ्यूल। तो ये स्टेला स्वैप एक फ्यूल के लिए की तरह काम करता है मूनबीम के लिए, बीफी द गैस पेडल। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें स्टेला स्वैप को इशारा कर रही है कि स्टेला स्वैप एक अच्छा टोकन है और आने वाले टाइम में ये यू नो जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से तो अच्छा है, क्या हमारे हिसाब से भी अच्छा है? तो फ्रेंड्स जहां तक मैं देख रहा हूं स्टेला स्वैप को, ये अगर मैं इसका जो चार्ट पे जाऊं और मैं इसका जो प्राइस देखूं, तो मैंने ये 15 सेंट के ऊपर भी देखा है। मैंने इसको 10 सेंट पे भी देखा है, अभी ये 7 सेंट पे भी मैंने इसको देखा है। तो मुझे ये लग रहा है ये 5 सेंट पे तो ये जाएगा, मुझे थोड़ा डाउट है ये 3 सेंट पे जाएगा कि नहीं जाएगा। बट मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जाए ना जाए वो डजंट मैटर है, हो सकता है जाए, बिकॉज यू नो सब जगह ही तो बियर मार्केट का बोलबाला है, तो और यू नो इन्फ्लेशन की वजह से काफी मार्केट डाउन आ चुकी है। तो मैं आपको ये बोलता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये टोकन सच में इसका जो मार्केट कैप है, यू नो अब हम
आपको ये बताने जा रहे हैं इस टोकन में पैसा लगाना कहां तक ठीक रहेगा। ठीक है, इस टोकन में पैसा लगाना 70% ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा की तरह ये बोलता हूं कि उतना ही पैसा लगाओ जितना आपको यू नो बियर हो सके, जो आपको बर्दाश्त कर सको। अगर गुंडी हो गया तो ज्यादा से ज्यादा $50-100 इसमें लगाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये बुल मार्केट आई, ये स्टेलस स्वैप दौड़ेगा और इतना दौड़ेगा आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले वो टोकन पकड़ने हैं जो लो कैप कॉइन है और जिनका यूज केस कहीं ना कहीं और उनकी जो पार्टनरशिप है जो अच्छे इकोसिस्टम से है, मतलब स्टेलस स्वैप की जो पार्टनरशिप डायरेक्ट और डायरेक्ट मूनबीम से है। ठीक है, मुझे तो ये डाउट है कि मूनबीम का ही ये स्टेलस स्वैप है, मूनबीम ने इसे अपने स्वैप्स के यूज केस के लिए ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जैसे यूनिस्वैप इथेरियम का जो जो स्वैप है यूनिस्वैप है, वैसे ही जो मूनबीम का जो स्वैप है वो स्टेलस स्वैप रिकमेंडेड है बाय मूनबीम। तो फ्रेंड, तो आपको मैं ये बोलता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और बड़े बड़े जैसे कॉइन है, सबको पता है इथेरियम बीएनबी बिटकॉइन और ये सारे जो टोकन है ये कहीं ना कहीं बढ़ेंगे 5x 10x 20x बढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा वो तो ठीक है, वो एक अलग मैटर है, सबको पता है ये सोल बढ़ेगा और ये एप्टोस है, ये एप्टोस भी आए, ये भी बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे, लेकिन हमें उन जो ज्यादा बढ़ेंगे ना उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट जरूर करना है। वहां पे 10x होगा तो लो कैप में 1000x 100x 200x भी होता है। ठीक है, तो लो कैप कॉइन है वो मैं ढूंढ के लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऐसे टोकन नहीं होने चाहिए वो कि उनका बिल्कुल भी यूज केस बिल्कुल ना हो और कहीं ना कहीं वो शिट कॉइन हो। शिट कॉइन में रिस्क लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो मतलब ये है कि फ्रेंड कि एक्स स्टेला और स्टेला स्वैप जो भी है, तो आप इनका टोकन बाय करके रखो। अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लेना, आप अपनी रिसर्च जरूर करना मेरे इस वीडियो के बाद। तो ये जो टोकन है स्टेला स्वैप का, जो स्टेला टोकन है, इसको आप बाय करके रखो, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। कई लोगों ने $2 पे, किसी ने $4 पे ये बाय किया है, मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने $3 के आसपास भी इसको बाय कर रखा है। लेकिन आपको अगर ये 7 सेंट का मिल रहा है ना, तो ये आप पे बहुत लकी हो, ज्यादा से ज्यादा ये गिर के 3 सेंट जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप इतना कम अमाउंट लगाओ और इसको स्टेकिंग पे छोड़ दो। मैं आपको हमेशा बता चुका हूं ऑलरेडी, बियर मार्केट में स्टेकिंग होती है, बुल मार्केट में कभी स्टेकिंग नहीं होती है। तो बियर मार्केट में स्टेकिंग उतना अमाउंट छोड़िए जितना आपको अफसोस ना हो, फिर मुड़ के मत देखो, फिर नेक्स्ट टोकन की तरफ हम जाएंगे, नेक्स्ट टोकन की तरफ जाएंगे, और जो नेक्स्ट टोकन है उसको हम देखेंगे। जब नेक्स्ट टोकन हमें मिल जाएगा तो हम फिर उसको उसकी टोकनॉमिक्स देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा फिर देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोल और ये बड़े बड़े में तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इन इन इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, लो कैप कॉइन को, ये आपको रिच बनाएंगे, रियल रिच बनाएंगे। तो मैं उसके लिए आपके साथ मिलके काम कर रहा हूं। ऑफ कोर्स अगर आपको ये जो मैं जिनके बारे में आपको बताता हूं, जिन भी टोकन्स के बारे में, लो कैप या हाई कैप टोकन के बारे में बताता हूं, तो दोस्तों ये जो है, अगर आपको कुछ इसमें से पसंद ना आए या कोई क्वेश्चन हो को, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहां पे अवेलेबल होता हूं। और दूसरा, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी पूछना है। और बाकी ये छोटा सा मेरा वीडियो था स्टेला स्वैप के बारे में। ऑफकोर्स बहुत अच्छा इकोसिस्टम मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपने मन बनाया है यस इन्वेस्टमेंट करनी है, तो $50-100 डालने में मुझे नहीं लगता कोई होल्डर मतलब कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है, आपके पास फंड ज्यादा नहीं है, तो $10-20 भी आपको अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, ठीक ना। फ्यूचर में $10-15-20 से कम तो कोई क्या लगाएगा, ठीक है। अगर किसके पास $5 भी है तो यार वो भी लगा सकता है, इसमें कोई हर्ज थोड़ी है किसी भी तरह से, ठीक है। लेकिन लो कैप को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, पोर्टफोलियो में रखना। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको खुल के साफ साफ शब्दों में,
आप दो या चार टोकन लोगे तो रिच बनना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। कम से कम 20 से 25 टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें से एक या दो टोकन आपको रिच बनाएंगे। याद रखना, रिच बनाएंगे वो एकदम, वो 100x 200x 300x चले जाएंगे, वो चार टोकन में से नहीं जाएंगे, वो जाएंगे 25 टोकन में से जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो होगा उतने आप अमीर बनने के चांस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और हमेशा करता रहूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टेलस स्वैप के बारे में कुछ जानना हो तो कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन देने के, आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।